स्वयं सहायता समूह की कौन कौन सी कैडर महिलाओं को या समूह में कौन कौन सी नौकरी करने वाली महिलाओं को ड्रेस कोड यानी कि साड़ियाँ दी जा रही हैं। देखिए क्या है कि अलग अलग नियम अलग अलग राज्यों में हैं, कुछ राज्यों में दी जा रही हैं कुछ राज्यों में नहीं दी जा रही हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बीसी सखी बहनों को ड्रेस कोड यानी कि साड़ियाँ दी जा रही हैं। और वो जो साड़ी है वो आप जो जितनी भी बीसी सखी हैं उनको अच्छे तरीके से पता है, जिनको नहीं पता है स्क्रीन पर दिखा देते हैं, आपको देख लीजिए कुछ इस तरीके के आपको साड़ियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो ये तो थी बीसी सखी के उत्तर प्रदेश में। और अपने उत्तर प्रदेश में बिजली सखी यानी कि विद्युत सखी के लिए भी ड्रेस कोड तैयार किया जा रहा है, उसका कलर वगैरह भी फ़िलहाल डिसाइड नहीं हुआ है। हालांकि बस हम आपको इतना ही बताएंगे कि बिजली सखी यानी कि विद्युत सखी का भी डिसाइड किया जा रहा है। बाकी समूह की किसी भी कैडर बहनों का अपने उत्तर प्रदेश में अभी कोई ड्रेस कोड तैयार नहीं हो रहा है। हो सकता है सरकार प्लान बनाए आगे, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ प्लान बनेगा सरकार का, अपडेट आएगी तो आप लोगों को सूचना दी जाएगी। लेकिन कुछ और राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी जगहों पर जैसे कि अपनी कृषि सखी हो गई, तो ये सभी बहनें काम कर रही हैं, ठीक है। तो कृषि सखी के लिए भी ड्रेस कोड है तैयार। वहाँ पर पशु सखी जो बहनें हैं पशु सखी के रूप में नौकरी कर रही हैं समूह की, तो पशु सखी को भी ड्रेस कोड मिला हुआ है, वो स्काई ब्लू कलर में है उनका। और इसी के साथ साथ बात करें हम मत्स्य सखी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई है, इसकी नौकरी भी हालांकि आने वाली है, कुछ राज्यों में चल रही है। और मत्स्य सखी का भी कुछ स्काई ब्लू टाइप में ही है, स्क्रीन पर देख लीजिए। तो ये कुछ चार से पांच बहनों का ड्रेस कोड चल रहा है। कौन कौन सी कैडर मैंने आपको बताया, बीसी सखी हो गई और बिजली सखी यानी कि विद्युत सखी, मत्स्य सखी हो गई और आपकी हो गई पशु सखी। इन सभी कुछ कैडर बहनों का ड्रेस कोड तैयार है, चल रहा है। और यूपी में दो ही कैडर बहनों का चल रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ समूह सखी को लेकर मेरे पास सवाल आया था, तो उसमें मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि उनकी भी कोई अपडेट नहीं सरकार के द्वारा नहीं आई है कि हाँ इन कैडर बहनों को ड्रेस कोड दिया जाएगा। वैसे सरकार को हर एक जितनी भी समूह में नौकरी करने वाली बहनें हैं अलग अलग तरीके का ड्रेस कोड उनका बनना चाहिए। आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।